हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि मेरी वीडियोस जो है बहुत लेट आ रही है, एटलीस्ट एक हफ्ते में एक बार ही तो आप वीडियो डालिए। तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो शेयर की है उसमें मैंने बताया था कि अब थोड़ा सा मतलब मैं बाबू के साथ ऑफिस वगैरह जा रही हूँ, तो थोड़ा वहाँ पर भी अपना टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि हफ्ते में एक या दो वीडियो तो आप लोगों को ज़रूर मिले, बिकॉज सैटरडे संडे मेरे पास रहेगा। प्लस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ हुडा ब्यूटी की मिनी लिप शेड्स, जो इनने हुडा ब्यूटी ने अपने एक नॉर्मल शेड्स निकाले हुए नॉर्मल साइज़ के। प्लस इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, जो स्पेशली मैंने लिया है वो लिया है ब्लश न्यूड्स। और मैं आपको बता दूँ, ये मुझे वरुण ने गिफ्ट किया था, ये मेरा सरप्राइज गिफ्ट था। और इसके जो शेड्स है काफ़ी अमेजिंग है। और ये आपको अगर प्रोडक्ट लेना है तो ये नायका में अवेलेबल है, क्योंकि हमने भी नायका से ही ऑर्डर किया था। तो चलिए इसके बारे में आपको और बताती हूँ मैं। आपने इस वीडियो को देखना है, पूरा देखना है स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा। प्लस आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और उस बेल आइकन को आपने ज़रूर क्लिक करना है, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये है हुडा ब्यूटी ब्लश न्यूड्स लिक्विड मैट। इसमें शायद दो तीन शेड्स और है, अलग शायद एक पिंक ऑप्शन भी है और एक थोड़ा सा पूरा, जिनको बहुत ज़्यादा न्यूड कलर्स पसंद होते हैं। मैंने ब्लश न्यूड इसलिए लिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन है, लाइक एक शेड मैंने लगाया है, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। प्लस अगर इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो 2900 प्राइस है, कोई डिस्काउंट नहीं है। हुडा ब्यूटी के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में कोई डिस्काउंट नहीं आता है, आपको और प्रोडक्ट्स में बेशक डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन हुडा ब्यूटी में बिल्कुल भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो पहले मैं आपको बताती हूँ ये साइज इसका बताती हूँ कितना है। छोटा सा आते हैं, मिनी में बोलूँगी, इतना भी मिनी नहीं है, ठीक है। प्लस इसमें लिखा है हुडा ब्यूटी लिक्विड मैट, और आपको यहाँ पे शेड नंबर दिया होगा। जो पहले शेड के बारे में बात करने वाली हूँ, बहुत पॉपुलर, बहुत सारे आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा बनाते हुए वीडियो, एक दो लिप शेड्स में हुडा ब्यूटी के ज़रूर रिव्यू देते हैं, स्वैचेस दिखाते हैं। तो ये है बॉम्बशेल, ये बहुत ही अच्छा कलर है, लाइक हर जो भी आपको इंडियन स्किन टोन हो आपका, उस पर बहुत अच्छा लगेगा। लाइक मैंने जो अभी लगाया हुआ है ये लिप शेड, ये मैंने विदाउट मेकअप लगाया हुआ, लाइक अगर इसको विद मेकअप लगाया जाए तो बहुत अच्छा और उभर के आता है। तो जो मेरा पहला शेड है वो बॉम्बशेल ब्लश न्यूड के आपको शेड बता रही हूँ, उसमें आपको कौन कौन से शेड्स मिलेंगे। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो ये है म्यूज, और ये काफ़ी अच्छा कलर है। ये भी एक्चुअली क्या है, इसकी पैकेजिंग जो है ना वो इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होती, बिकॉज अंदर जो होता है थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा कि कलर कुछ इस टाइप का, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो वो एक अलग ही कलर आपको शो होता है लिप्स में। तो दूसरा है म्यूज। पहले मैं आपको कलर्स इसके आपको बता दूँ कि कौन कौन से ब्लश न्यूड्स में कौन कौन से कलर आते हैं। नेक्स्ट वीनस, और ये काफ़ी अच्छा न्यूडी शेड है, एक ब्राउनिश शेड आता है। मैं आपको पिक्चर्स या वीडियो ज़रूर इसकी बना के दूँगी, आपको स्क्रीन में पिक्चर्स दिख जाएगी, जो भी होगा वो आपको उस वीडियो के थ्रू मिलेगा। ये है वीनस शेड, और लास्ट जो शेड है वो है वाइफी। पता नहीं क्यों ये जो शेड है वाइफी, ये मेरे फेस पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और मैंने लगाया भी, मैं मेरे को आदत है कि जब भी मैं लिप शेड लगाती हूँ तो एक ही कोड अप्लाई करती हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या जहाँ हम जा रहे हैं। ये थी लिप शेड की बात, और मैं आप लोगों के साथ आज ज़रूर शेयर करूँगी। लाइक अभी टाइम हो रहा है 11:30 के अराउंड, और मैंने लिप शेड अप्लाई किया है 10:30 के अराउंड। तो मैं आपको पूरा दिखाऊँगी कि 7 बजे इसकी क्या हालत है या क्या कंडीशन होगी। प्लस आप लोगों के सामने एक कोड मैं और लगाना चाहूँगी, जिससे मैं देखना चाहूँगी रिजल्ट कि अगर दो कोड आप अप्लाई करते हैं तो क्या ये 5 से 6 घंटे रुकती है, क्योंकि मैंने एक कोड अप्लाई किया था तो मुझे रिजल्ट्स अच्छे दिखे थे। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कितनी क्रीमी होती है स्टार्टिंग में, उसके बाद थोड़े टाइम में लाइक हार्डली कुछ सेकंड्स में ये ड्राई हो जाती है। हाय गाइस, और टाइम हो गया, आप खुद देख लीजिए, 7:05 है, और मैंने बताया था आपको, बोला था कि मैं लिप शेड आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अभी तक लिप शेड टिका हुआ है। बाकी ये होता है कि बहुतों को आदत होती है कि लिपस्टिक को खाने की, या जब हम कुछ खाते हैं तो लिप शेड जो होता है सबसे पहले यहाँ से निकलता है, तो मेरा इसी एरिया से निकला है। पर अगर पिगमेंट की बात करूं तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, 2 कोड लगाए थे, आप 2 से 3 कोड अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो अगर पिगमेंट की बात की जाए तो मैं ऑब्वियसली 10 में से मतलब आउट ऑफ 10 में 8 मार्क्स देना चाहूँगी एंड थम्स अप कि इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है। बाकी हर लिपस्टिक में होता है कि हमें बार बार ही लिप्स पे उसको रिफिल तो करना ही पड़ता है, बट अगर देखा जाए तो मैंने आज बहुत कुछ खाया, लाइक मैंने फ्रूट्स खाए थे, उस पर लंच किया है, उसके बाद और स्नैक्स वगैरह खाए, तो इतना खाने के बाद भी अगर इतनी रह रही है तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो चलिए 7 बज गए हैं,
आप में से बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आप कुछ दिखा नहीं रहे, बोलते जा रहे हैं ये वो, तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए, जैसे कि आपको पता है थोड़ा सा मेरा जो स्केड्यूल है वो थोड़ा सा बिजी हो गया है, तो मुश्किल हो रहा है, पर कोशिश रहेगी सैटरडे संडे जो है वो मैं आप लोगों तक ये वीडियो, कोई अच्छी सी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँ, कोशिश पूरी रहेगी। बाकी इस सैटरडे शायद मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर अपने ब्लॉग में मिलाऊंगी। और कोई अगर जगह एक्सप्लोर करती हूँ, हम सीपी अगर जाएंगे तो अगर वहाँ पे कोई अच्छा सा कैफ़े या रेस्टोरेंट हम जाते हैं तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसका प्राइस मेन्यू शेयर करूँगी, ईच एंड एवरीथिंग, और आप लोगों तक पहुँचाऊँगी जल्द से जल्द। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर और सपोर्ट कीजिए, और साथ ही साथ जितना शेयर कर सकते उतना शेयर कीजिए। बाय बाय।